नरेन ने बड़े ही स्वैग से किया है पूजा का स्वागत। वट सावित्री की पूजा के लिए ससुराल की दहलीज पर खड़ी पूजा बहू के साथ नरेन ने कुछ यूं निकाली है अपनी भड़ास। पूजा के कमरे में लगा दिया है कचरे का ढेर और खुद सामने बैठकर पूजा की इस हाल पर मजे ले रहा है। सुनते हैं जब प्यार ना हो, धूल उड़ चलते हैं। क्या बात, लेकिन आपको शायद पता नहीं, लेकिन इस कमरे के दो दो हिस्से और इस वक्त आप जहाँ खड़ी है वो मेरा हिस्सा है जो बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन। पूजा के स्वागत के लिए सब किया जा रहा है, पूरे प्यार से शिद्दत से उसने इस रूम को सजाया है ताकि एक बहुत ही अच्छे से और प्यार से यहाँ पर पूजा रह सके इस घर में और उसके दो दिन जो है वो बहुत ही अच्छे से बीते। अब क्या करे नरेन, पूजा को सामने देखकर उसके दिल में रह कर एक टीस उभर आती है। भाई को खोने का गम और अपने परिवार की हालत नरेन से देखी नहीं जा रही। तुम्हें मजाक लग रहा है? मेरी माँ बात दिन रात गेट पे डरती चली जा रही कि वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाएगी। महीना बीत गया लेकिन अपने ही घर में अपने ही कमरे में खुद को कैद करके रखा उन्हें। ना ठीक से कुछ खाती है ना ठीक से पीती है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो कौन होगा उनका कसूरवार? दादाजी की खुशी के लिए आज पूजा घर आई है और उसने मेहंदी भी लगाई है, लेकिन नरेन ने कुछ अतरंगी तरीके से पूजा का स्वागत किया है। शायद वो उनका गुस्सा है जो वो निकालना चाहते हैं पूजा पे। वो पूजा को तकलीफ दे रहे हैं, ये नहीं समझ पा रहे हैं कि पूजा को तकलीफ देने में उन्हें खुद कितनी तकलीफ हो रही है। खैर, दादाजी के कहने पर पूजा 2 दिनों के लिए वापस तो लौट आई है, पर नरेन ने उसका जीना मुश्किल बना दिया है। पूजा के हाथों में मेहंदी नरेन के नाम की है, पर उसके दिल में मचा है तूफान। अब एक छत के नीचे नरेन और पूजा का साथ, उनके बीच गलतफहमियां कम करने में मददगार साबित होती हैं या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।